अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 2016 का पेपर, तो आप लोग सोच रहे होंगे 2016 का पेपर दिखाने का क्या मकसद है। वो मैं आपको थोड़े आगे जाके आपको बताऊँ, ठीक है? अब जैसे कि गेस्ट पेपर मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर नहीं आप मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। बाकी मैं आपको भी अभी अपने गेस्ट पेपर आपको इसी वीडियो में भी दिखाऊंगी, ठीक है? मैं जस्ट आपको ये पेपर पढ़ते हैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको सबसे पहले ये नहीं देखा कि 2016 है 17 है, कुछ ईयर देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये देखना है कि मैं क्या बात किसके बारे में आप किसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो ये है कि पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर करते हैं किससे हिस्सा आता है। आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है? और जो 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, जैसे 9 और 10 का, ठीक है? कुछ ईयर्स में ना ऐसे भी आते हैं कि 1 से लेकर 8 तक तो क्वेश्चन दिए होते हैं, 9 फिर आते हैं नोट, ठीक है? नोट करने को दिए जाते हैं। फिर आता है जिस तरह से ये हुआ, फिर 2000 कह रही हूँ, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है जो 10 दिए जाते हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर सॉल्व आंसर है आपके पास तो आप उनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाजमी याद करें, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आते हैं। ये नहीं कि हर ईयर में आए, कभी रिपीट भी हो जाते हैं, अब कभी 2 साल बाद आते हैं, कभी 3 साल बाद आते हैं। तो इसलिए इस बार चांसेस हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर इसलिए बता रही हूँ, ताकि आप आराम से ये, अगर आप लोग ने ये याद नहीं किया ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो आप एटलीस्ट अगर किसी के पास शॉर्ट आंसर है तो आप उसमें से याद कर लें। अगर नहीं है तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी सारी डिटेल्स सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आपको इस बुक में पेज नंबर 604 यानी कि 604 पेज नंबर पे, सफ़ा नंबर पे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के चैप्टर्स के, ठीक है? ये ब्लैंक्स भी होती हैं, इन कभी क्वेश्चन आंसर्स आ जाती हैं, तो आप लोग कोशिश करेगा कि सब एक दफ़ा रीड कर दें, याद कर लें, क्योंकि अगर ये पेपर में आया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन 20 मार्क्स का ही होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट हैं तो 10 दिए हैं, 20 मार्क्स का कैसे होगा? तो ये एक जो होता है, एक पॉइंट जो है फर्स्ट, वो दो दो नंबर के, मतलब कि सब क्वेश्चन आंसर दो दो नंबर, ठीक है? तो ये 604 से शुरू होगा और 614 पेज नंबर तक ख़त्म होगा, ठीक है? 71 टोटल इसमें क्वेश्चन हैं, 71 नहीं है, सॉरी, मैंने आपको बता दिया, अलग अलग हैं। अगर आप चैप्टर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें इस जैसे कि बनू उमिया की जो जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने कुछ आंसर याद किए होंगे तो ये सब उन्हीं में से, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको 5 मिनट्स याद करना पड़ेगा,
मैं आप इसको सॉल्व फायर से भी कुछ पिक्चर इसी वीडियो में ऐड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मैसेंजर पे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।